कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर भारत ने चीन न जाने की ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के साथ साथ अब देश भर के कई अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि खतरा टाला जा सके। कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी मरीज की पुष्टि अभी भारत में नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर देश के हर कोने को अलर्ट किया जा चुका है। भारत कोरोना वायरस के 30 हाई रिस्क देशों में गिना गया है। चीन से हवाई यात्रा करने वालों की तादाद के आधार पर की गई एक स्टडी के मुताबिक थाईलैंड, जापान और हांगकांग में कोरोना वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। अमेरिका 6 नंबर, ऑस्ट्रेलिया 10 नंबर तो भारत 23 नंबर पर हाई रिस्क देशों में शामिल है। इसलिए भारत के मुख्य हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा चुकी है और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन न जाने की ट्रैवल एडवाइजरी भी घोषित कर दी है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने भी 20 फरवरी तक दिल्ली चेंगदू और बेंगलुरु हांगकांग फ्लाइट्स रद्द कर दी है। नेपाल के रास्ते चीन से यात्रियों के आने की संभावना के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। वहां वाल्मीकि नगर के चेक पोस्ट पर मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। इसी तरह का कोई सर्दी खांसी या बुखार या गले में दर्द या माथा दर्द इस तरह का आ रहा है तो हम पूरा हिदायत दे रहे हैं। अभी तक कोई सस्पेक्टेड केस नहीं मिला है, अगर उस तरह का केस मिला हो तो हमारे एम्बुलेंस लगी हुई है। मणिपुर में सरहदी चेक पोस्ट पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जा रही है। मणिपुर सरकार के अलावा म्यांमार ने भी भारत से सटे तामू में मेडिकल कैंप लगाया है। कोरोना वायरस को लेकर भारत में इन एहतियात के बावजूद कई संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में कोरोना वायरस की आशंका पर मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इस बीच राजस्थान में मरीज का टेस्ट सैंपल नेगेटिव आया है। जो एयरपोर्ट है हमारा इंटरनेशनल टर्मिनल, उस पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और 8 इंटरनेशनल फ्लाइट आती है जयपुर एयरपोर्ट पे। उसमें कल रात अभी सुबह तक 4 फ्लाइट आई, इसमें 550 पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया। एडिक्वेट स्टाफ लगा दिया गया है, नर्सेस, मेडिकल ऑफिसर्स, थर्मल स्कैनर भी प्रोवाइड किया जा चुका है। कोरोना वायरस अगर भारत में किसी पर आक्रमण करता है तो देश के कई अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की जा रही है। अस्पतालों में कोरोना वायरस के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। आज तक ब्यूरो।